हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चे भी हाईटेक होंगे। जींद के जांजकला गांव के सरकारी स्कूल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आधुनिक स्केल लैब का उद्घाटन किया, जिसमें 21 लैपटॉप और 40 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी हाईटेक होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद जिले के झांझकला गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आधुनिक स्किल लैब का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्किल लैब में विद्यार्थियों को खुदरा, सौंदर्य और कल्याण और सूचना प्रौद्योगिकी समेत कई कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जहां रोजगार के अच्छे मौके मिलेंगे, तो वहीं वो स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के अंदर खास तौर पर 11वीं 12वीं की छात्राओं आज एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ फैशन डिजाइनिंग के अंदर भी गांव देहात में ऐसे बच्चों को जिनने कभी कंप्यूटर पर हाथ नहीं लगाया, स्किलिंग होगी और उस स्किलिंग से उनको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर दुनिया भर के उस ट्रेड से जुड़े ज्ञान प्राप्त करने का मौका। अपने आप में जो कैडमैन है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उन द्वारा एक ऐसी कोलैबोरेशन के माध्यम से मॉडल सेटअप किया गया जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को शहरी क्षेत्रों से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत भल्ला का कहना है कि वे स्किल लैब में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी शुरू करवाएं, ताकि यहां के बच्चे भी सहजता से इंग्लिश बोल सकें। इस कोर्स से बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने में काफी आसानी होगी। एक प्रोजेक्ट है जिसका करीबन 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका पहला पायलट हरियाणा में ही हुआ था। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर और एनएसडीसी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसकी जो पूरा सपोर्ट है वो प्रधानमंत्री ये योजना के थ्रू इसका सपोर्ट मिलता है और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इसको ड्राइव करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सपोर्ट करती है। तो करीबन आज की डेट में हरियाणा में 1000 से ऊपर स्कूल्स हैं जिसमें ये वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है। तरह की लैब हरियाणा के 100 सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएंगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, हरियाणा सरकार, एनएसडीसी, केडमैन और मानव रचना शिक्षण संस्थान के सहयोग से स्थापित की जाएंगी, जिसमें 3 तरह के कोर्स करवाए जाएंगे, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि ग्रामीण स्तर के बच्चे भी शहरी बच्चों से कम्पीट कर सकें।